क्रिस्त में प्रिय मित्रों, आज के सुसमाचार में हम देखते हैं एक शास्त्री ईसा की परीक्षा लेने के लिए ईसा के पास आकर एक सवाल करते हैं। सबसे बड़ी आज्ञा को जानने के लिए प्रभु से सवाल करते हैं। वास्तव में ये व्यक्ति ईसा की परीक्षा लेना और साथ ही साथ अपनी धार्मिकता के सार्थकता को प्रभु के समक्ष स्थापित करना चाहता है। आज के सुसमाचार के माध्यम से प्रभु हम सबों को एक कदम आगे बढ़कर, हम सबों को धार्मिकता से आगे बढ़कर आध्यात्मिक जीवन बिताने का आह्वान करता है। धार्मिक जीवन हर एक व्यक्ति को कर सकता है, धार्मिक जीवन बिताने के लिए इतना सहज है, लेकिन आध्यात्मिक जीवन बिताना सहज नहीं है। आज्ञाओं का पालन और नियमों का पालन करने से एक व्यक्ति धार्मिक बन सकता है, लेकिन एक व्यक्ति आध्यात्मिक बनना है तो धार्मिकता के साथ साथ ईश्वरीय प्रेम से परिपूरित होना है। अपने सच्चे पड़ोसी को जानने के लिए, अपने सच्चे पड़ोसी को पहचानने के लिए, सच्चे प्रेम को पहचानने के लिए, ईश्वरीय प्रेम को पहचानने के लिए हर एक व्यक्ति के अंदर आध्यात्मिकता की जरूरत है और प्रभु अपने पड़ोसियों में और ईश्वर में इस प्रेम को देखने के लिए हमसे आह्वान करता है। प्यारे मित्रों, हम अपने जीवन में नियमों का पालन ही नहीं बल्कि ईश्वरीय प्रेम से परिपूर्ण जीवन बिताने के लिए प्रयास करें ताकि हमारा जीवन ईश्वर के लिए स्वीकार्य हो, मनुष्यों के समक्ष सुग्राह्य हो। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर।